बच्चों, हम पहले अध्याय में मछलियों के बारे में पढ़ने के बाद आइए हम उससे संबंधित कुछ अगले सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्वॉर्ड फिश 60 रुपए प्रति किलो मिलती है, 6 किलो कितने रुपए की आएगी? ये भी इकाई की विधि से इसको निकालेंगे, हम एक ही नियम के तरीके से निकालेंगे। कैसे करेंगे? 1 किलो की कीमत कितनी है बच्चों? 60 रुपए प्रति किलो, मतलब 1 किलो, यानी कि 1 किलो स्वॉर्ड फिश का मूल्य बराबर है 60 रुपए, और 6 किलो का मूल्य कैसे करेंगे यहां पर देख लेते हैं एक बार। 1 किलो स्वॉर्ड फिश का मूल्य बराबर कितना आएगा? 60 रुपए, 60 रुपए ना, और 6 किलो स्वॉर्ड फिश का मूल्य। ज्यादा का मूल्य निकालना है, जैसे पिछले साल किया उसी तरह से इसमें 6 से हम गुणा कर देंगे, 360 रुपए आपके पास आएगा। इसी प्रकार से आपके बुक में झींगा मछली का मूल्य निकालना दिया हुआ है, वो भी आप इसको देखकर कर लेंगे। आपकी पुस्तक में ही लेकिन तालिका दी हुई है, तालिका पूरी करनी है। यहाँ चीज वस्तु का नाम लिखा हुआ है, ताजे पानी की खुदाई। वो मछुआरे में क्या करती है, कारखाना लगाना चाहती है, तो कारखाने के लिए उनको इन चीजों की जरूरत है। ताजे पानी की खुदाई करेंगी वो 3,000 रुपये में। ये एक वस्तु की कीमत है। अलमारियां 2,000 रुपये एक अलमारी कीमत। सीमेंट की टंकी खरीदेंगी 1,000 रुपये पट्टी टंकी। ट्रे और चाकू 300 रुपये, ये बाल्टी 75 रुपये। तो कितनी खरीदनी है उसने? बाल्टी कितनी खरीदनी है? 20 बाल्टी खरीदनी है, संख्या लिख रखी है। सीमेंट की टंकी कितनी खरीदनी है उसने? 4। ट्रे और चाकू कितने खरीदने हैं? 20। ताजे पानी बताए कितने, एक बार होती है तो इसकी एक संख्या लिख रखी है। चलिए कुल मूल्य निकालते हैं। तो ताजे पानी की खुदाई एक बार होगी, 3,000 रुपये एक ही बार लगेंगे ना, तो कुल मूल्य कितना आ गया? 3,000 रुपये। अगर अलमारी, एक अलमारी की कीमत कितनी है? 2,000। 20 अलमारी की कीमत इकाई विधि से रफ में कर सकते हैं आप, एक अलमारी का मूल्य बराबर है 2,000 रुपये। 20 अलमारियों का मूल्य है तो क्या करेंगे, ज्यादा अलमारी का मूल्य ज्यादा निकालेंगे तो गुणा करेंगे, यानी कि 2,000 गुणा 20। उत्तर आप गुणा करके लिख देंगे कितना है बच्चों? 40,000 रुपये। यहाँ पर कितना, इसको गुणा करके लिख सकते हैं आप, 3,000 गुणा 1 बराबर है 3,000। यहाँ बराबर के नीचे बराबर लगाने हैं आपने, और हजार के नीचे हजार, सैकड़े के नीचे सैकड़े, इसका ध्यान रखना है आपने, और रुपए लिख देंगे आपने। अगला, सीमेंट की टंकी 1,000 रुपए की एक टंकी आती है, तो लेकिन इकाई लगाएंगे रफ पेज पे, एक टंकी की कीमत बराबर है 1,000 रुपये, और 4 टंकी की कीमत, तो ज्यादा टंकी की कीमत गुणा करेंगे वहां पर भी, 1,000 गुणा में 4 कितनी आएगी बच्चों? 4,000 रुपये गुणा करनी आती है आपको। ट्रे और चाकू 300 रुपए के, 20 चाकू कितने के आएंगे? 20 ट्रे और चाकू निकालने हैं आपने, तो यहाँ पर भी एक ट्रे और चाकू की कीमत 300 रुपए, 20 की लिखेंगे तो गुणा करेंगे, ज्यादा की निकालनी है तो गुणा कर देंगे, 6,000 रुपये गुणा करके लिख सकते हैं आप। और बाल्टी 73 रुपए की आती है, और बाल्टी कितने लेके आनी है? 20, यानी कि एक बाल्टी की कीमत बराबर है 73 रुपए, और 20 बाल्टी की कीमत बराबर है, गुणा कर देंगे वहां पर भी, 75 गुणा में 20 कितना आया बच्चों? 1,500 रुपये आप गुणा करके लिख सकते हैं। सभी को जोड़ देंगे तो फैक्ट्री लगाने की कुल लागत यहाँ पर आ जाएगी। जोड़ते हैं, चलिए दहाई वाले जोड़ते हैं, सैकड़े वाले 500, ये जोड़ दिए, कुम्भ लगाएंगे, हजार वाले 3,000, 4,000, 7,000, और 6,13,000, और 1,14,000, हजार का एक एक और 4, 5, तो कितनी लागत आएगी बच्चों? 54,500। इस प्रकार से एक कारखाना लगाने की लागत 54,500 रुपये आ जाती है। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 20 बच्चों ने मिलकर स्कूल में एक छोटा सा बैंक बनाया। क्या बनाया बच्चों? एक छोटा सा बैंक बनाते हैं। आप लोग कर सकते हैं, जैसे मछुआरे भी मछली बैंक का निर्माण करती हैं, आपकी पुस्तक में दिया गया है, तो उसी प्रकार से ठीक बच्चों ने मिलकर एक बैंक बनाया, और क्या निर्णय किया कि प्रत्येक बच्चा हर महीने 15 रुपए जमा करेगा, यानी कि एक बच्चा एक महीने में धन जमा करता है या राशि जमा करता है, धन लिख लो या राशि लिख लो या रुपए लिख लो, मर्जी आपकी, कितने रुपए बच्चों? बराबर है 15 रुपए, और बच्चे कितने हैं उस बैंक में? 20 बच्चे। तो 20 बच्चे एक महीने में धन जमा करते हैं, बराबर के नीचे बराबर, तो 20 बच्चे ज्यादा पैसे जमा करेंगे तो क्या कर देंगे यहां पर भी? गुणा
गुणा कर देंगे, तो इसको गुणा करके 1500 1500 रुपए, यानी कि वहां पर एक महीने में कितने पैसे जमा हो गए, 300 रुपए। तो आपने एक महीने में कितना धन जमा होगा, 300 रुपए। अब निकालना आपने एक वर्ष में कितना धन जमा होगा, एक वर्ष का मतलब क्या होता है, 12 महीने। तो एक मास में धन जमा किया, कितना किया बच्चों, 300 रुपए, अभी लिखा है ऊपर। और एक वर्ष का मतलब 12 मास, तो यहां पर 12 महीने या 12 मास लिखते हैं, एक ही बात है, में धन जमा किया। 12 महीनों में ज्यादा करेंगे तो गुणा कर देंगे, 12 0 0 12, 3600 रुपए। अब ये एक वर्ष का, एक 12 मास का मतलब एक वर्ष, 12, ये आपने ध्यान रखना है, 12 मास बराबर है एक वर्ष होता है। जिस प्रकार से एक महीने में 30 दिन हम मान के चलते हैं सामान्य रूप से, अगर नहीं दे रखे तो, उसी प्रकार से एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 3600 रुपए आ गया। अब निकाला 10 वर्षों में कितना जमा धन जमा होगा, 12 मास का मतलब एक वर्ष, एक वर्ष में कितना आएगा, 3600, लिखेंगे एक वर्ष में धन जमा किया बराबर है 3600 रुपए। और जब बच्चे 10वीं क्लास में आएंगे, देखिए कितना धन जमा किया, 3000, 10 वर्षों में ज्यादा होएगा ना, तो 10 से इसको गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा बच्चों, नीचे गुणा करके लिख सकते हैं 3600 रुपए। अरे ये तो बहुत ज्यादा रकम आ गई। इस प्रकार से आप 15-15 अगर एक महीने के हिसाब से 20 बच्चे जमा करें तो हमारी बहुत बड़ी रकम आती है बच्चों। इसी प्रकार से आप अन्य क्वेश्चन अपनी बुक से करें। धन्यवाद।